हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आर्डिनो के थ्रू क्रोम में जो इनबिल्ट गेम होती है डिनो की, उसे प्ले किया था और उसमें हाई स्कोर बनाने की ट्राई की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे इसे कैसे बनाना है, और इसी टाइप का एक और एक गेम होती है स्टैक करके, तो उसे प्ले करके दिखाइए। तो चलिए आज ट्राई करते हैं स्टैक में। तो हमारा पर्पस ये होगा कि हम अपने सर्वो मोटर को कैसे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं वो सीखना है, ठीक है। तो अगर मैं इस गेम को प्ले करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसमें परफेक्टली एक के ऊपर एक रखना थोड़ा मुश्किल है अगर हम हाथ से करें। तो चलिए अभी आर्डिनो के थ्रू कैसे हम लोग इसे बना सकते हैं वो देखते हैं। तो हमें तीन ही कंपोनेंट चाहिए होंगे, एक ब्रेडबोर्ड, एक आर्डिनो नैनो, आप ऊनो भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो वो भी चलेगा, और सर्वो मोटर एक। तो सर्वो मोटर में यहाँ पर आगे कनेक्टर दिया होता है तीन वायर के लिए, तो मुझे ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करना था इसलिए मैंने यहाँ पर से कनेक्टर हटा दिया और डायरेक्ट तीन वायर को यूज़ करेंगे हम। तो अभी हम लोग ब्रेडबोर्ड में आर्डिनो को लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी सर्वो मोटर के कनेक्शन देख लेते हैं। तो सर्वो मोटर में तीन वायर होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन वायर है, एक ब्राउन, रेड एंड ऑरेंज। तो यहाँ पर ब्राउन होता है वो होता है नेगेटिव, रेड होता है वो होता है पॉजिटिव प्लस 5 वोल्ट, एंड जो ऑरेंज होता है वो होता है डेटा के लिए, ठीक है, सिग्नल देने के लिए। तो चलिए अभी इसे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ब्राउन वायर दिख रहा है उसे हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड पिन के साथ, तो यहाँ पर लिखा है GND ग्राउंड, तो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और रेड वायर है उसे करना है प्लस 5 वोल्ट के साथ, तो ये प्लस 5 वोल्ट की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। एंड जो ऑरेंज वायर होता है वो होता है सिग्नल देने के लिए, तो हमें उसे D9 पिन के साथ कनेक्ट करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर D9 लिखा हुआ है, तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा तीनों कनेक्शन हो चुके हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डेटा। तो ये तीनों कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सर्वो मोटर की शाफ्ट के साथ एक कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है उसे निकाल लेते हैं हम कुछ इस तरह से। तो ये निकल चुका है, और इसके साथ हम लोग एक वायर का छोटा सा पीस लेंगे और उसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देंगे जिससे कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्लिक करवा पाए, टच करवा पाए, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पर इसे मैंने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है अभी। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देना है जिसको हम लोग आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे क्या होगा कि ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहेगा तो जो हमारी क्लिक होगी वो परफेक्टली काम करेगी, मोबाइल स्क्रीन पर जो क्लिक होगा वो परफेक्टली काम करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और शाफ्ट के ऊपर कनेक्टर भी लगा दिया मोटर के। तो यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं सारे। तो अब यहाँ पर मैं सर्वो मोटर को ब्रेडबोर्ड पर लगा देता हूँ डबल टेप की हेल्प से कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इसे हम ब्रेडबोर्ड पर कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो ये हो चुका है यहाँ पर, और अब हम क्या करेंगे, एक डेटा केबल लेंगे जिसके थ्रू हम लोग आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करेंगे अपना। तो उसके लिए आप कंप्यूटर या तो फिर मोबाइल जिससे चाहो उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक पिन को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर देना है और दूसरी पिन को आप अपने कंप्यूटर के साथ या तो फिर मोबाइल के साथ OTG के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो। तो चलिए अभी इसमें कोड अपलोड करके देखते हैं। तो आज का मेरा प्रोग्राम बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है, आप अपने आप भी लिख सकते हो, और मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है कोड को, तो आप वहाँ से आप डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इंक्लूड servo.h, तो servo.h नाम की जो लाइब्रेरी है उसे हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है फर्स्ट लाइन में। उसके बाद लिखा है सर्वो, और उसके बाद लिखा है माई सर्वो, तो यहाँ पर एक सर्वो का नाम दे दिया हमने, माई सर्वो लिख के डिक्लेयर कर दिया हमारी सर्वो मोटर को। उसके बाद आता है void setup जिसमें हमने लिखा है माई सर्वो डॉट अटैच इन ब्रैकेट 9, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो सर्वो मोटर है उसे हमने पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट किया है आर्डिनो की। फिर आता है void loop जो रिपीटेडली रन होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, तो यहाँ पर हमें लिखा है माई सर्वो डॉट राइट 120, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 120 ये एंगल दिखाता है सर्वो मोटर का। और फिर लिखा है डिले 200 मिलीसेकंड्स, यहाँ पर ये मिलीसेकंड्स में डिले, तो यहाँ लिखा है 200, तो ये 200 मिलीसेकंड्स तक 120 डिग्री के एंगल पर रहेगी, ठीक है। तो 120 डिग्री के एंगल पर इसे 200 मिलीसेकंड तक रहना, वो हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है माई सर्वो डॉट राइट 0, तो यहाँ पर 0 है वो डिग्री है, तो वो 0 एंगल पर आ जाएगी।
तो 0 डिग्री पर उसे कब तक रहना है वो हमने यहाँ पर डिले कर डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर डिले में लिखा है 605, तो 605 मिली सेकेंड्स तक ये 0 डिग्री पर रहेगी और फिर उसके बाद वापस 120 डिग्री पर चले जाएगी। तो ऐसे ही हमारा लूप है वो रिपीटेडली रन होता रहेगा। तो ये डिले है वो आपको चेंज नहीं करना है इस गेम के लिए, ये स्पेसिफिक गेम के लिए ये डिले है वो परफेक्ट है। तो चलिए अभी कोड को अपलोड कर देते हैं हमारे आर्डिनो में। तो एक बार कोड अपलोड हो जाने के बाद हम इसे आर्डिनो को पावर देने के लिए कोई भी एडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ और उससे हम लोग आर्डिनो को पावर देंगे। तो चलिए अभी इसे पावर देख कर देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी गेम को यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमारी क्लिक है वो अच्छे से डिटेक्ट हो पाए। उसके लिए यहाँ पर मैं एक कॉइन रख रहा हूँ, जैसे हमारी क्लिक होगी वो परफेक्टली हमारी मोबाइल स्क्रीन डिटेक्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमारा ग्राउंड का जो आ रहा है वो कॉइन को टच करेगा तो हमारी मोबाइल स्क्रीन है वो डिटेक्ट कर लेगी क्लिक को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार गेम को रीस्टार्ट कर देता हूँ और पावर देता हूँ आर्डिनो को। तो आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अगर हम ट्राई करेंगे तो ये 5 से 10 तक जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि आर्डिनो के थ्रू ये ईजीली हम कर पाते हैं। तो आज के हमारे प्रोजेक्ट का पर्पस यही था कि हम लोग कैसे अपने सर्वो मोटर को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं वो देखना, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि सर्वो मोटर को यूज़ करना कितना इजी है। तो यहाँ पर मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं हमारा आर्डिनो कहाँ तक हाई स्कोर बना पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट टाइम पर क्लिक कर रहा है, तो जिसका मतलब है कि जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं तब तक ये स्कोर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।